आइए दोस्तों, आपका स्वागत है टीम एशो में। और आप देखने जा रहे हैं हमारा नया इफेक्टफुल वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के कन्फ्लिक्ट के बारे में, कि ये इंडिया और चाइना का कन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसकी जड़ें कहाँ से निकली हुई है। तो मैं हूँ गौरव प्रजापति, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कन्फ्लिक्ट के बारे में इंडिया और चाइना के, जो कि स्टार्ट हुआ था तुरंत इंडिया की आज़ादी के बाद। क्योंकि जब हम इंडियन ब्रिटिश कॉलोनी थे, तब इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट था तिब्बत नाम का, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट शॉर्ट आउट का काम करता था बीच में, क्योंकि इंडिया और चाइना की बॉर्डर खुली हुई थी। इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर तो रेड क्लिफ थी जो बन चुकी थी, पर इंडिया और चाइना की बॉर्डर अभी भी खुली हुई थी। तो तिब्बत एक बफर स्टेट था जिसपे दोनों का अधिकार था ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से। तो चाइना ने 1950 पे तिब्बत पे हमला कर दिया, जिसमें हमारे इंडिया ने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं उनको रोकने का या कुछ करने का। तो चाइना को लगा कि हाँ, इंडिया भी हमारे साथ है, तो हम तिब्बत को हमारे अंडर में ले लेते हैं। और अगर चाइना तिब्बत को अंडर में ले लेता है तो उसके लिए इंडिया का रास्ता भी खुल जाता है, ऐसा चाइना का मानना तो यही था। पर इंडिया तो ये मान रहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, ये हमने स्लोगन भी निकाल लिया था। हम उनको फ्रेंड्स मानते थे, पर वो हमको फ्रेंड नहीं मानते थे, जो कि ये गलती हो गई थी इंडियन पॉलिटिकल नेताओं से। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर खुला हुआ था उसको बंद करने के लिए एक मैकमोहन लाइन का निर्माण करने की बात हुई, जिसमें चाइना हमसे मांग रहा था कुछ एरिया अरुणाचल प्रदेश का, कुछ एरिया लद्दाख का, और पूरा अक्साई चीन चाइना मांग रहा था। तो हम वो देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो तो हमारा एरिया था, तो ऐसे कैसे हम उनको दे दें। तो चाइना ने काफ़ी बार इसके लिए ट्राई किया डिप्लोमेटिक तरीके से, बातचीत करके उन्होंने इंडिया के साथ इसको शॉर्ट आउट करने का सोचा, पर इंडिया नहीं माना, क्योंकि इंडिया तो ऐसा मान रहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई तो वो चाइना वाले भी मान जाएंगे अगर उनको नहीं देंगे, पर चाइना वाले तो हमको कहाँ भाई मानते थे। तो उन्होंने लद्दाख के अंदर अपने आर्मी भेजना स्टार्ट किया, अक्साई चीन में उन्होंने रोड बनाना स्टार्ट किया। अक्साई चीन उनके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि तिब्बत पे उन्होंने जब कब्जा किया तो तिब्बत और चाइना को जोड़ने के लिए अक्साई चीन बीच में था, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए अक्साई चीन उनके पास होना ज़रूरी है, तो इसलिए उनको अक्साई चीन चाहिए था। तो उन्होंने अपनी आर्मी अरुणाचल प्रदेश लद्दाख में रोड बनाना स्टार्ट कर दिया, लद्दाख में भेज दिया। वो हमारी गवर्नमेंट को पता था, पर हम तो यही सोच रहे थे ना, हिंदी चीनी भाई भाई, चाइना को खुश करना है, चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, चाइना को यूएन में खुश करना है, और बाद में भले ही चाइना हमारे पीठ में छुरा घोपते वो चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। और उसके बाद एक समय आया 1962, जहाँ पे चाइना ने हम पे हमला कर दिया, क्योंकि हमने तो उनको बातचीत से वो एरिया दिया नहीं, तो चाइना ने हम पे हमला कर दिया। और हमारे अंदर के जो नेता थे वो भी बहुत ही ज्ञानी थे, उन्होंने ऐसा किया कि हिंदी चीनी तो भाई भाई हैं, पाकिस्तान को अभी हमने हराया है तो वो हम पे हमला नहीं करेंगे, तो आर्मी की क्या ज़रूरत है। तो आर्मी को कट ऑफ कर दिया, आर्मी का जो भी चीज़ था उसको हाफ कर दिया, आर्मी अंदर बुला ली, राशन पानी हथियार बनाना बंद कर दिया। और 1962 में चाइना ने हम पे हमला कर दिया जब हमारी आर्मी बहुत वीक हो चुकी थी, तो इस वजह से हम वो फाइट हार गए, वो वॉर हार गए, सीनो चाइना 1962 की वॉर हम हार गए। ये सारी इंटरनल ज्ञानी लोगों की वजह से ये हो चुका था। तो ये तो था कन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, यही कन्फ्लिक्ट आज तक बना हुआ है। आज मीडिया में देखो तो चाइना हमको धमकी दे रहा है, वॉर की धमकी दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारी वजह से ही हुई है ना। तब हमने कन्फ्लिक्ट शॉर्ट आउट नहीं किया, उसके बाद जब चाइना ने अपने चाइनीज़ प्रोडक्ट लाए तो हमने ज़ोरों शोरों से खरीदे, और ऐसा लाइफस्टाइल बना लिया हमारा कि बिना चाइनीज प्रोडक्ट के हमारा चलेगा नहीं, तो चाइनीज प्रोडक्ट तो खरीदने ही पड़ेंगे, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए हमारी कमज़ोर हो जाए, हमें क्या, हम तो चाइनीज प्रोडक्ट खरीदेंगे ही। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, आपसे आगे मिलते रहेंगे नए नए वीडियोज़ के साथ। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी राय भी कमेंट करें कि आप क्या चाहते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर, वो बैन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वो सारी चीज़ें अपनी आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए।